यार आजकल ना भाई करने को कुछ भी नहीं है ना, तो हमारे पास कोई बिजनेस है और ना ही कोई जॉब। मेरे को लगता है भाई मेरे को कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बट वेट, अभी मेरे को कोई आवाज आई थी। चॉप, अभी तेरे को कोई आवाज आई थी क्या? अरे मेरे को तो कोई आवाज नहीं आई भाई, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। यार मेरे को अभी थोड़ी सी आवाज आई थी, जैसे कि यार कुछ ठुका हो किसी चीज में। तो मैं बाहर जाके देखता हूँ और ये खड़ी मेरी कार। और वेट भाई, एक कार और है और इसने मेरी कार में ठोक दिया। भाई साहब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा यार, रुको पहले मैं अपनी कार को देख लेता हूँ कहीं टूटी तो नहीं है। वेट गाइस, अपनी कार को स्क्रैच भी नहीं आया और इसकी कार पूरी टूट चुकी है। इसीलिए भाई मैं अपनी कार्स को बुलेट प्रूफ बनवा लेता हूँ, ताकि यार कोई भी दिक्कत हो तो टूटे वगैरह ना। और अब मैं इस बंदे को बता दूँ, भाई तूने मेरी कार में कैसे ठोकी कार, निकल बाहर, जल्दी निकल बाहर, तुझे बता दूँ अभी। और ये प्रिजन के कपड़े क्यों पहना हुआ है भाई? मेरे को ना ये भागा हुआ कैदी लग रहा है। अभी तू भागा क्या जेल से? रुक तेरे को बता दूँ। ले, एक घूसे में बेहोश हो गया। गाइस अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, जिससे कि इस प्रिजनर को उठा के ले जाए। अरे अरे बिल्कुल भी हिलना मत, बिल्कुल भी। भाई भाई मैंने क्या किया यार? अच्छा मैंने क्या किया है? अभी बताऊं क्या? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मेरे पास पिस्टल है। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करी ना, तो ध्यान रखना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाई साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है। अगर इस बंदे से मैं लड़ाई वगैरह करूंगा तो शायद मेरे पे अटैक कर सकता है। भाई मैं शांत खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो अभी ना फटाफट से मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी दे। क्या भाई, मैं नहीं दूंगा तेरे को मेरी कार की चाबी, मेरी कार बहुत ज्यादा महंगी है। अरे मैंने बोला ना अपनी गाड़ी की चाबी दे और इस घर की भी चाबी दे, मैं इस घर को लेने वाला हूँ। क्या बात कर रहा है भाई, तू इस घर को लेगा? अबे तेरी औकात है क्या? अरे मैं खरीद नहीं रहा, मतलब कि मैं तुमसे छीनना चाह रहा हूँ, समझा क्या? अगर तूने मेरे को इस घर के पेपर्स, चाबी और कार की चाबी नहीं दी तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। भाई साहब ये क्या हो गया इसके साथ? वेट अभी ये किसने अटैक किया इसके ऊपर? रुको भाई मेरे को ना कोई दिख रहा है भागता हुआ। और वेट, पुलिस ऑफिसर भाई क्या ही राइट टाइम पे आया यार। मैं ना इस बंदे से लड़ने वाला था, हम दोनों में फालतू में फाइट हो जाती, बट पुलिस वाले ने इसका इनकाउंटर कर दिया। भाई सर यार आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने देख लिया था उस कैदी को। हाँ सर हाँ, उसने ना मेरे ऊपर गन एम कर रखी थी और मेरे को धमकी दे रहा था कि ये घर दे दो, कार वगैरह सब दे दो मुझे। अरे ये ऐसे ही करता है, ये बंदा प्रिजन से भाग गया था, हम इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और हमारे पास एक आखिरी मौका था इसे मारने का और आज हमने मार ही दिया इसको। थैंक यू सर, आपने ना मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं आते ना टाइम पे तो क्या पता ये मेरे ऊपर शूट कर देता और शायद मैं नहीं बचता। अरे कोई नहीं कोई नहीं, अभी ना तुम्हें इसको लेके और मुझे लेके पुलिस स्टेशन जाना होगा। क्या बात कर रहे हो, पुलिस स्टेशन? अरे हाँ हाँ, इसकी बॉडी को तुम्हारी कार में डालो और फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे सर मेरी कार गंदी हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी कार को धुलवा दूंगा यार, प्लीज चलो, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आया। तो सर आप क्या भाग भाग कर आए हो क्या? अरे वैसे तो मैं टैक्सी से आया हूँ, बट अभी ना मैं यहाँ से पैदल पैदल भाग कर आया था। सर आप टैक्सी से क्यों आए, आपकी कार कहाँ गई? अरे कार चोरी होने का यही तो रीज़न है, इसने मेरी कार चुराई, मेरी कार चुरा कर भागा और मेरी कार ब्लास्ट कर दी। उसके बाद ये दूसरी वाली ग्रीन कार चुरा ली और उससे भाग कर आ गया और मेरे को टैक्सी करनी पड़ी। ठीक है सर, आप बैठो, फटाफट से इसकी बॉडी को डालते कार के अंदर। और फाइनली मैंने इसकी बॉडी को अंदर डाल लिया है, अब फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं ना सर? अरे हाँ हाँ। तो सर वैसे यार आप लोग ये प्रिजन में से आए दिन बंदे भागते रहते हैं, क्या मतलब है? सिक्योरिटी आपकी काम नहीं कर रही क्या? अरे सिक्योरिटी तो काम कर रही है, बट मैं तुम्हें सही बात बताऊं, ये बात देखो ऑफिशियल है, बतानी तो नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अभी ना हमारे पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर काम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मतलब इतने ज़्यादा आलसी हैं कि कहीं भी सो जाते हैं और इनको पागल बना के ये प्रिजनर्स भाग जाते हैं और हम जैसे पुलिस स्टेशन वालों को इन्हें पकड़ना पड़ता है। हाँ सर ये तो बात सही कह रहे हो, अगर यार ये प्रिजनर्स ऐसे ही भागते रहे तो लॉस एंडोस में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अरे ये तो तुम सही बोल रहे हो, और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पुलिस बन सकते हो। सर नहीं नहीं, मेरे को पुलिस बनने का कोई शौक नहीं है। अरे तुम बन सकते हो भाई, अप्लाई कर दो, तुम आराम से एक ऑफिसर बन जाओगे, फिर अच्छी लाइफ कटेगी। वैसे मेरे को जॉब की तो नीड है, बट मैं लेस्टर से पूछ लूँगा भाई, मैं पुलिस वाला नहीं बनूँगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, देखो शाम होने वाली है। हाँ सर वैसे होने तो वाली है शाम, बट कोई नहीं यार, हम पहुँचने ही वाले हैं बस पुलिस स्टेशन। अच्छा ठीक है, और ये क्या देख रहा हूँ मैं? सर आप क्या, मैं भी देख रहा हूँ, देखो सर ये क्या हो रहा है, आपके पुलिस स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया।
अरे भाई ये कैसे हो गया भाई, हमारा पूरा स्टाफ अंदर ही था। सर फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्हें बचाओ ना जाके। भाई मैं कैसे जाऊँगा यार, मैं भी तो जल सकता हूँ, तुम ना फ्रंट गेट पर ले चलो इस कार को। ठीक है सर मैं चलता हूँ, और मेरे को ना भाई आराम से कार ले जानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी कार भी ब्लास्ट हो सकती है। बस धीरे धीरे लेके चलता हूँ, मैं फ्रंट गेट पर पहुँचने वाला हूँ और सामने की तरफ मेरे को पुलिस की कार्स दिख रही हैं और इनका स्टाफ भी दिख रहा है। मेरे को लग रहा है सर आपका स्टाफ सेफ है। अरे मेरे को भी ऐसे लग रहा है, सारे बंदे बाहर निकल के आ चुके हैं, बट मेरे को इनसे पता करना पड़ेगा ये आग कैसे लगी पुलिस स्टेशन में। सर ठीक है मैं कार को ना यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, अभी आप उधर के पूछ लीजिए कि कैसे ये आग लगी और मैं चीफ से बात कर लेता हूँ। वैसे यहाँ का चीफ कौन है, मेरे को तो कोई दिख भी नहीं रहा। और मेरे पास वेपन आ गया क्या यार, उस बंदे का वेपन आ गया मेरे पास जो अभी हमने मारा था। और भाई सामने मेरे को एक चीफ दिख तो रहा है जिसके ऊपर कैप लगी हुई है भाई, और सारे बंदों ने कैप नहीं पहन रखी, सिर्फ चीफ ने ही पहन रखी है। एक तो ये जा रहा, ये मेरे को चीफ कहीं से भी नहीं लग रहा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। और एक बंदा ये है, सर आप ही हो क्या इस पुलिस स्टेशन के चीफ। अरे हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बात है। सर मैं फ्रैंकलिन हूँ। अच्छा तो मैं क्या करूँ, मैं वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सर क्या हो गया आपके पुलिस स्टेशन में, ये ब्लास्ट कैसे हो गया। अरे तुम कुछ मत पूछो, हमारे पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि हमारे यहीं जॉब करते हैं और साथ में टेररिस्ट के लिए काम भी करते हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं और वो बंदे अब भाग चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं। सर अभी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा दूसरा। अरे वो तो हम देखेंगे, बट अरे पुलिस स्टेशन से याद आया, तुम्हारा घर भी काफ़ी बड़ा है, तुम मुझे एक हफ्ते के लिए अपना घर दे सकते हो क्या। सर वैसे मेरा घर तो काफ़ी बड़ा है, बट ठीक है मैं थोड़ा सा चार्ज करूँगा उसका। अरे कोई नहीं हम दे देंगे चार्ज। ठीक है सर आप मेरे घर पर आ जाना, कोई बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है हम तुम्हारे घर पर कल ही पहुँच जाएंगे और अपना सारा सामान लगा देंगे। वेट सामान से क्या मतलब है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारे घर पे आके थोड़ा सा काम करेंगे और उन टेरेस वगैरह को धोड़ेंगे जिससे कि भाई हम पता लगा सके कि किसने हमारे पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट किया था। ठीक है सर आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं तो फ्री हो चुका हूँ, अभी मैं चलता हूँ घर पे। भाई ये पुलिस ऑफिसर ने ना मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। देखो भाई शाम भी हो चुकी है, मतलब सुबह ही सुबह मैं उठा ही था और फिर एक प्रिजनर आ गया, उसने मेरे ऊपर एम कर लिया, उसके बाद आपने देख ही लिया गाइस सब कुछ हो गया, मेरा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया, बट क्या कर सकते हैं अब घर जाऊंगा और सीधे आराम करूंगा। और पुलिस चीफ बोल रहा था कि भाई सुबह आएगा वो मेरे घर पर, अब मेरे को ये नहीं पता पर ये लोग क्या करने आएंगे। बट वेट ये लेस्टर का कॉल क्यों आ रहा है, बोल लेस्टर। अरे तुम कहाँ पर हो पहले ये बताओ। अबे मैं तेरे घर से बस थोड़ा ही दूर हूँ। अच्छा तो ठीक है मेरे घर पर आ जाओ तुम। क्या बात हो गई। अरे कुछ नहीं यार, आज दोबारा से तुम्हें पैसे कमवाने हैं मुझे। ठीक है भाई मैं आता हूँ, वैसे क्या काम है। अरे यार तुम तो जानते हो मैं तुम्हें काम कभी फ़ोन पर बताता नहीं हूँ, तुम मेरे घर पर आओ फिर बताऊँगा। ठीक है भाई लेस्टर, यार लेस्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अरे तुमने फ़ोन नहीं काटा अभी। ठीक है भाई सॉरी मैं अभी कट कर रहा हूँ फोन, यार ये लेस्टर ना सारी बातें सुन लेता है। भाई ले काट दिया। तो गाइस यार ये लेस्टर ना बहुत ज़्यादा चालाक है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बुरी बात करूँ ना ये गुस्सा हो जाता है भाई, और इसने अभी तो सुन भी लिया है फ़ोन पे, क्या पता यार ये मुझे पैसे ना कमाए। बट अभी ना लेस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इसीलिए हमें इतना ज़्यादा बुरा बोलने के बावजूद बुला रहा है। तो मैं लेस्टर के घर पर आ चुका हूँ, अभी फटाफट से इस कार को पार्क कर देता हूँ। वेट भाई इस कार को अंदर ही पार्क कर देता हूँ भाई, वैसे ना देखो मेरा टाइम वेस्ट तो होता है बट क्या करूँ यार, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस जगह पार्क करने में, काफ़ी अच्छी तरीके से पार्क हो जाती है, ना तो ट्रैफिक का झंझट ना कोई रोड वोड पे गाड़ी आने का झंझट, मस्त खड़ी रहती है यहाँ पे। अभी मैं लेस्टर के पास चलता हूँ और पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या काम कराना है जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। और भाई लेस्टर जो भी काम कराता ना काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं मुझे, कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन तो मिल ही जाते हैं। अभी लेस्टर से पूछता हूँ क्या काम है। और बता लेस्टर क्या काम है। अरे अभी से काम पूछ रहे हो क्या। हाँ भाई तूने काम के लिए तो बुलाया ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें ना एक कार चुरा के लानी है एयरपोर्ट पे से। वेट कार चुरानी है बस इतना सिंपल काम। अरे हाँ हाँ, और इसके मिलेंगे तुम्हें पूरे $5 मिलियन। वेट भाई लेस्टर इतने ज़्यादा पैसे मुझे क्यों दे रहा है तू। अरे वो मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके लिए तुम्हें कार चुरानी है। ठीक है भाई मैं चुरा लूँगा, एयरपोर्ट पे से चुरानी है ना। अरे हाँ हाँ लॉस सेंटोस एयरपोर्ट पे से।
ठीक है भाई, मैं नहीं जा रहा सैंडी चौरस। मुझे पता है सैंडी चौरस वाली एयरपोर्ट पे कोई कार नहीं आती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रद्दी एयरपोर्ट है। अरे कोई नहीं कोई नहीं यार, तुम फटाफट से एयरपोर्ट जाओ और फटाफट से कार चुरा के लाओ। ठीक है भाई मैं जाता हूँ। यार लेस्टर भी कैसे कैसे काम मुझे देता है, ये कार चुराने का काम तो कोई भी कर लेता, बट अभी ये मेरे कोई काम पे भेज रहा तो कुछ ना कुछ तो भाई बात है, कोई ना कोई रिस्क तो होगा जिसकी वजह से लेस्टर मुझे भेज रहा है। भाई लेस्टर को ना मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि कितने भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो मैं, बट मैं बच ही जाता हूँ, कैसे भी कैसे करके निकल ही जाता हूँ। बट इसकी बॉडी पड़ी है भाई, इसे फेंकना पड़ेगा नहीं तो मेरी कार गंदी हो जाएगी। और भाई मैंने ना बाहर निकल के फेंक दिया, अभी फटाफट से अपनी कार को भगाता हूँ और चलता हूँ भाई सीधे एयरपोर्ट। और देखो साइड में पड़ी है भाई रोड के बीचों बीच, मैं हॉस्पिटल वालों को कॉल कर दूंगा, वो उठाकर ले जाएंगे। अभी कार को भगाते हैं और चलते हैं सीधे लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, रात में कार चला के, मतलब मैं ना काफ़ी दिन बाद रात में कार चला रहा हूँ। वैसे तो मैं रात में सो ही जाता हूँ, बट आज देखो यार ये कार कितनी ज़्यादा ही ठुक रही है। बट कोई नहीं, अभी मैं एयरपोर्ट बस पहुँचने वाला हूँ। मैं सामने से एयरपोर्ट नहीं गया, मैं जाने वाला हूँ पीछे से। और ये क्या भाई, ये लड़की जोम्बी की तरीके से खड़ी हुई है। यार मेरे को डरा ही दिया था अभी, मैं सोच रहा था ये जोम्बी कहाँ से आ गई एयरपोर्ट के पास। तो मैं फटाफट से एयरपोर्ट चलता हूँ और साइड साइड होके चलता हूँ भाई। ये गेट से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे जाने में, मैं ना साइड होके चला जाता हूँ आराम से बिल्कुल, क्योंकि भाई गेट से होकर जाते हैं ना तो इधर ना थोड़े से रास्ते कन्फ्यूज़न है। मेरे को ये नहीं पता कि अंदर घुसने का गेट कौन सा है। यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स वगैरह जाते हैं, शिपमेंट वगैरह जाते हैं, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ कहाँ से होकर जाना है। बट यहाँ से मेरे को आइडिया है कि सामने लास्ट में एक गेट पड़ता है जिसे भाई तोड़कर कैसे भी अंदर जा सकते हैं। बट ये वाली जो जालियाँ लगी हैं ना, ये कभी भी नहीं टूटती जिससे कि मैं अंदर घुस जाऊँ, तो मेरे को एंड तक ही जाना पड़ेगा सीधा। उधर जाके मेरे को एक गेट मिलेगा, वहाँ से मैं आराम से घुस सकता हूँ। तो फटाफट से अपनी कार को भगाता हूँ, वैसे भगा ही रहा हूँ इतनी देर से भाई, बहुत टाइम हो गया भगाते भगाते। और देखो ये वाली जालियाँ बिल्कुल नहीं टूटी हैं, बट मैं काफ़ी हद तक गेट के पास आ चुका हूँ। और यही है गाइज वो गेट, देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी छोटा है, कार नहीं जाएगी इसके अंदर, बट इसके बगल में जो जालियाँ लगी हैं ना वो टूट जाएंगी इस कार से, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अपनी कार को भगा के और वेट, देखो भाई टूट गई ना, मैं बोला था कि ये जालियाँ टूट जाएंगी आराम से, और सामने वाली भी टूट सकती हैं अगर ये टूट गई तो मैं ट्राई करता हूँ। और ये दी स्पीड और वेट, भाई साहब मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुका हूँ, बट अभी मेरे को कार ढूंढनी है। और उसने बताया था कि कार हैंगर में, उसने मतलब लेस्टर ने, तो मैं अभी हैंगर में तो आ चुका हूँ। ये है पेगासस का हैंगर और इसके अंदर तो कोई भी कार नहीं दिख रही मेरे को, ये वर्कर्स खड़े हुए हैं बस, यहाँ पर कोई भी कार नहीं है गाइस। मेरे को ना आगे वाले हैंगर में देखना पड़ेगा क्योंकि आगे भी एक हैंगर है। तो अभी चलते हैं फटाफट से सामने की तरफ और देखते हैं कि भाई इस वाले हैंगर में कार मिलती या नहीं मिलती, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा जो मेन गेट के पास हैंगर है ना वो सबसे बड़ा है और उसके अंदर हो सकती है, वो लास्ट ऑप्शन है। बाकी इसे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कि हमें कार यहीं पर दिख जाए। तो मैं साइड से चलता हूँ, क्या पता अगर कार वार हो तो कोई हो सकता है भाई सिक्योरिटी वगैरह और वो हमें देख ले, तो भाई ऐसा हम नहीं चाहते। तो फटाफट से मैं कार को ना साइड में पार्क कर देता हूँ और भाई उतर के देखते हैं कि आखिर इसमें कार है या नहीं, और ऐसी कौन सी कार है जिससे चुराने के लिए मेरे को मिल रहे हैं पूरे $5 million। मतलब कि $5 million में अच्छी खासी कार आ जाती है, और भाई वो सिर्फ मेरे को चोरी करने के दे रहा है $5 million, और उसमें से लेस्टर को भी काफ़ी कमीशन मिलेगा। तो ये कार कितने की हो सकती है, मेरे को लग रहा है कि जो मैं कार चुराने जा रहा हूँ वो कम से कम $100 million की तो होगी, क्योंकि भाई कोई बंदा 5% ही दे सकता है हमें। और मेरे को ना अंदर सिक्योरिटी दिख रही है, और गाइस मेरे को यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा, बस सिक्योरिटी दिख रही है भाई। ऊपर देखो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसका मतलब कार यहीं पर है। और भाई इतनी महंगी कार के लिए इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, बट ये सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम अकेले और ये इतने सारे बंदे। वो तो अच्छा है कि लेस्टर ने ना हमें सारे वेपन्स दे दिए थे, मतलब A to Z, स्टिकी बॉम्ब, RPG, पिस्टल भी दे दी थी, अजल्ट राइफल भी दे दी थी गाइज, मतलब कि सारे वेपन दे दिए थे। उसके बाद भाई पूरा स्टॉक रहता है वेपन्स का, वो दिखाता नहीं है,
बट भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है, अभी ना मैं उनसे फ़ाइट करूँगा फिर इस कार को ले जाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि भाई इनसे फ़ाइट करे बिना इस कार को लेके भाग जाऊँ और ये मेरे पीछे पीछे भागते रहें और मैं इनसे आगे निकल जाऊँ। बट मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, क्योंकि अगर इतनी सारी सिक्योरिटी ऊपर है तो नीचे भी होगी, मेरे को दिख चुकी है। अगर नीचे वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी है ना, तो पक्का वो कार वहीं पर हो सकती है। मेरे को दूर से तो वो कार नहीं दिख रही, बट वहाँ पर वो कार हो सकती है। गाइस ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास का है यार, यहाँ से कोई मेरे को देख सकता है। अभी मैं स्टार्टिंग करता हूँ फाइट करने की। ले भाई पहला शॉट और एक बंदा ढेर। अभी मैं देखता हूँ बंदे अलर्ट हुए या नहीं हुए। वेट 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 वेट, भाई सारे बंदे अलर्ट हो चुके हैं और इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सबके पास असल राइफल है। रुक भाई तेरे को बता दूँ। ले भाई तुमसे ज़्यादा हैवी गन मेरे पास है, बट मैं बंदा तो अकेला ही हूँ ना। अगर मेरे पास मिनी गन होती, वैसे मिनी गन है तो, बट काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। और इन बंदों से लड़ने के लिए मुझे ना थोड़ा सा भागना पड़ेगा, और इस गन को लेके मैं भाग नहीं सकता, तो इसीलिए मैं छोटी गन से अटैक करता हूँ। मैंने टैंकर ब्लास्ट कर दिया है, बट इन्हें कुछ नहीं हुआ भाई। अब एक कौन सी मिट्टी से बने हो भाई, ख़त्म हो जाओ ना यार। चलो भाई इधर के तो सारे निपट चुके हैं, अभी देखता हूँ कि पीछे कौन कौन है। और लो भाई ये बंदे आते ही जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई। मेरे को लगा था कि अंदर ही है सिक्योरिटी, बट बाहर भी थी, और मैं अभी तो यहाँ पर खड़ा था यार, मेरे को तो कहीं नहीं दिखी। मेरे को लग रहा है ऊपर से उतर कर नीचे आ चुकी है। और भाई सारे बंदे ढेर। वेट वेट, एक बंदा और है जो कि भाई बाहर से अटैक कर रहा है। ले तू गया, और ये भी आ गया एक और। ले भाई तू भी गया। वेट 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 वेट, ले अब तो सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं गाइस। एक और है, और शायद ये भी गया, और नीचे एक और था, ये भी गया। गाइस सारे बंदे ढेर हो चुके हैं। अभी मैं देखता हूँ कि कौन सी कार है जो मुझे चुरानी है। और भाई जो कार है ना वो वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर गार्ड्स खड़े थे। यार मैं सामने की तरफ जाता हूँ फटाफट से और देखता हूँ कि कौन सी कार है वो। वैसे सारे गार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं ना, कहीं पता लगा कि मैं कार लेके निकला ही हूँ और पीछे से भाई गार्ड्स आ गए। तो ये है वो कार। और वेट भाई, ये तो एक विंटेज कार है, वो भी प्योर गोल्ड की। भाई मैं मान गया यार इस बंदे को, मतलब इसने इतनी ज़्यादा महंगी कार चुरवाई। वैसे मैं इस कार को अपने पास रख सकता हूँ, बट ये काम लेस्टर का है और लेस्टर को मैं धोखा नहीं दे सकता। बस इस कार के ओनर से मैं इस कार को छीन सकता हूँ बाद में। मैं लेस्टर से पूछ लूँगा कि ये कार किसने चोरी करवाई है और उसके घर से जाके चुरा लाऊंगा। गाइस फिर तो मज़े ही मज़े। और अभी मैं इस कार में बैठता हूँ और फटाफट से चलता हूँ भाई लेस्टर के घर पे। मैं लेस्टर को इस कार को दूंगा, मेरे को मिलेंगे पूरे $5 million, फिर उसके बाद मैं घर जाकर सो जाऊंगा आराम से। उसके बाद सुबह पुलिस वाले आएंगे और पता नहीं मेरे घर पे क्या करेंगे भाई। एक हफ्ते तक मुझे पुलिस वालों के साथ ही रहना पड़ेगा यार, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं कोई गलत काम भी नहीं कर सकता घर पे रह के, मेरे को कोई गलत फ़ोन भी उठाना भाई घर पे, नहीं तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि मैं यार ऐसे वैसी चोरियाँ करता हूँ और भाई बहुत सारी फाइट्स करता हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे भाई, मेरे घर को भी छोड़ा लेंगे और मेरे को अरेस्ट करके प्रिजन में डाल देंगे। तो ये मैं नहीं चाहता। बस यार एक हफ्ता पूरा हो और ये लोग मेरे घर से जाएं। वैसे अभी आए तो नहीं है, बट आ जाएंगे तब मेरे घर से जल्दी वापस चले जाएं। तो मैं इस कार को फटाफट से भगाता हूँ। वैसे कार ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे यार इतनी महंगी कार है तो अच्छी तो होगी ना भाई। अगर कोई सस्ती कार होती और वो अच्छी होती तब मैं मानता कि हाँ भाई पैसे वसूल, बट ये महंगी भी है और अच्छी भी है और मेरी तो है ही नहीं, तो पैसे वसूल कैसे कह सकता हूँ मैं। तो फटाफट से इस कार को लेके चल दे लेस्टर के घर पे और लेस्टर से लेते हैं पूरे अपने $5 million। तो गाइस मैं लेस्टर के घर पे आ चुका हूँ और लेस्टर ने बोला था कि मेरे घर के पीछे इस कार को सेफली पार्क कर देना। तो भाई लेस्टर के घर के पीछे तक पता नहीं ये कार जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्योंकि लेस्टर के घर के पीछे काफ़ी कम स्पेस है और मेरे को नहीं लगता भाई इतनी लंबी कार वहाँ पर जा सकती है। और भाई बट मैं ट्राई करता हूँ, अभी आराम से इस कार को घुमाता हूँ भाई। एक तो प्योर गोल्ड की है, एक भी स्क्रैच लग गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे को आराम से निकालना पड़ेगा। तो फंस गई भाई लेस्टर, यार तूने मेरे को क्या ही काम दिया, ये कार तो फंस रही है भाई। अंदर तो आ चुकी है, बट इस कार को पीछे लेके जाना है। पीछे मैं कैसे लेके जा पाऊँगा, मेरे को आराम आराम से ले जाना पड़ेगा, आराम आराम से बिल्कुल स्लोली स्लोली, ताकि यार कहीं भी टकराए ना और स्क्रैचेस वगैरह ना लगें। तो गाइस फाइनली यार मैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस कार को पीछे ला चुका हूँ,
और मस्त तरीके से मैंने पार्क भी कर दिया। ये कार किसी को नहीं दिखेगी और वैसे भी इसका ओनर आके इसे ले जाएगा। ओनर तो नहीं, मतलब जिसने ये कार चोरी करवाई है वो इस कार को आके ले जाएगा। तो फटाफट से मैं लेस्टर के पास चलता हूँ और भाई उससे पूरे $5 मिलियन लेता हूँ। तो भाई लेस्टर कहाँ है तू? और देखो भाई पूरी सुबह भी हो चुकी है, मतलब हमारी रात भी ख़राब कर दी यार। बट इसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर ने हमारा दिन ख़राब किया था ना उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला भाई, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेस्टर तेरा काम हो चुका है, मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दे फटाफट से। अरे भाई इतनी जल्दी क्या यार, कर रहा हूँ और तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है भाई मुझे पता है यार ऐसे कामों के लिए तू मुझे बुलाता है। अरे भाई सॉरी बट तुम्हें पैसे भी तो बहुत ज़्यादा देता हूँ। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसे से ही मतलब है, और काम चाहे कितना ही बड़ा हो मुझे बुला लिया कर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, फटाफट से चेक कर लो। हाँ भाई मैं चेक वेक नहीं कर रहा, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, और भी ऐसे काम आए तो बताइयो। ठीक है बताऊंगा। और कोई नई खबर? भाई लेस्टर कोई खबर नहीं है, बस ये है कि पुलिस वाले मेरे घर पे 7 दिन के लिए रहने आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो 7 दिन के लिए? हाँ भाई लेस्टर क्या बताऊं यार, बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस चुका हूँ मैं तो। अरे कोई नहीं यार, तुम पुलिस वालों को फायदा उठाना। भाई कैसे फायदा उठाऊं यार, मेरे को नहीं आता फायदा उठाना। अरे ठीक है मिलते हैं बाद में। तो गाइस यार लेस्टर से तो बातें हो चुकी हैं, और देखो भाई अभी सूरज भी निकलने को आ गया और मेरी कार वहीं पर रह गई। चलो ठीक है मैं नई कार ले लूँगा, मेरे को उस कार की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी ना मेरे को रास्ते में से कोई कार पकड़नी पड़ेगी। और भाई उस कार को लेके चलता हूँ सीधे अपने घर पे और देखता हूँ कि पुलिस वाले मेरे घर पे पहुँच चुके हैं या फिर नहीं। तो रास्ते मेरे को ये कार मिली थी और भाई कुछ बंदों से लड़ाई भी हो गई थी यार। आज का दिन कैसा है, मतलब सुबह मैंने एक कार चुराई और कुछ बंदों से वहाँ पर लड़ाई भी हो गई, और देखो कार के ग्लासेस वगैरह टूट गए हैं। तो मैं घर पर आ चुका हूँ, और वेट भाई पुलिस वाले मेरे घर पर तो आ चुके हैं बट इतनी सारी कार्स। भाई चीफ बोल रहा था कि 2-4 बंदे आएंगे बस, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, बट ये देखो पुलिस वालों की बस खड़ी हुई है और सामने एक वैन भी है जो कि बुलेट प्रूफ होती है, जिसमें यार फाइट करने जाते हैं पुलिस वाले, और साइड में सिंपल वैन भी खड़ी हुई है और पुलिस क्रूजर्स भी खड़ी हुई हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या सीन है। और हेलीकॉप्टर्स, भाई मेरे घर की छत इतनी मजबूत नहीं है भाई, तुमने 2-2 हेलीकॉप्टर लैंड करा रखे हैं, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। भाई इन्होंने हद कर दी, इन्होंने मेरे घर पूरा पुलिस स्टेशन बना दिया। भाई मैंने बोला था कि मेरे घर पर थोड़ा सा बस रहने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा ही कर लिया। ऑफिसर चीफ कहाँ पर है ये बताओ? चीफ तो नीचे है, नीचे काम कर रहे हैं। भाई नीचे कहाँ पर? अरे नीचे नहीं सॉरी अंदर है। भाई अंदर है नीचे है क्या बात है, बता ही नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, सब उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। और देखो हर जगह ऑफिसर खड़े कर रखे हैं भाई, पक्का इन लोगों ने मेरे घर को पुलिस स्टेशन बना दिया है। और देखो कैसे खड़े हैं भाई यार, अबे हट जा भाई ये हमारा कमरा है यार, आगे से हट जाना यार, तू मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहा है, हट ना। तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये क्या भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे चीफ ने मेरे को ये वाली जगह दी है काम करने के लिए। ठीक है भाई तुम्हारे चीफ से ही बात करता हूँ मैं। और इधर, और वेट भाई इधर भी यार, इधर 2-2 सर्वर लगा रखे हैं और पीसी वगैरह रख रखे हैं। भाई यार क्या हो रहा है मेरे घर में यार, ऐसा मेरे घर में पहले भी हो चुका है, क्योंकि पहले मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ था तो ऐसे ही आर्मी वाले मेरे घर पर रहने आ गए थे और उन लोगों ने भी बेस बना लिया था, और शायद लग रहा है मुझे कि इन लोगों ने भी ये पुलिस स्टेशन बना लिया है। बस भाई शेल्स की कमी है और यहाँ पर जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी कमी है, और भाई पूरा पुलिस स्टेशन ही समझ लो। और चीफ यार ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए क्या? हाँ सर आ तो चुका हूँ, बट ये मेरे घर का क्या हाल कर दिया तुमने? अरे वो कुछ दिनों के लिए है, बस तुमसे बोला था ना एक हफ्ते बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें उन टेरेस को पकड़ना है, तो उन टेरेस को पकड़ने के लिए हमें ना रेडार वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, कार्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, और हमें फोर्स भी चाहिए, तो मेरा सब कुछ यहाँ पर ला के रख लिया है। भाई चीफ मैंने इन सब की परमिशन तो दी ही नहीं थी तुझे, तूने ये सब क्यों किया? अरे वो मैं सोच रहा था कि तुम परमिशन दे दोगे। चल ठीक है भाई अब तू ला ही चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू काम कर ले, मैं सोच लूंगा भाई कि मैंने पुलिस वालों की हेल्प कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है थैंक यू भाई, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, नहीं तो लॉस एंड में कोई हमें अपना घर नहीं देता। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो तुम। तो गाइज यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।